नमस्कार, मैं अरुण जैन फ्रॉम स्वास्थिका कंसल्टिंग एंड कंपनी, शांति मोहल्ला, गांधीनगर, न्यू दिल्ली। आज का टॉपिक GSTR 1 में पेमेंट वाउचर के रिगार्ड में क्या क्या एडजस्टमेंट है, मुझे कब इश्यू करना है पेमेंट वाउचर, कहाँ पे डिस्क्लोज करना है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट वाउचर विल बी कवर्ड इन दिस डिस्कशन। चलो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि पेमेंट वाउचर कब इशू करना होता है। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी ऑफ CGST एक्ट 2017 ये बोलता है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्सेस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या 9 सबसेक्शन 4, ये दोनों कौन से सेक्शन है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के सेक्शन है। एक एक एग्जाम्पल, सेक्शन 93 लाइक GT की सर्विस जिसमें रिसिपियंट लाइबल टू पे टैक्सेस है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 अगर मैं कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल परचेस करता हूं तो मेरी लाइबिलिटी है टू पे द टैक्सेस अंडर रिवर्स चार्ज। सेल इश्यू द पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू सच सप्लायर, मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन इश्यू करेगा पेमेंट वाउचर पेमेंट के टाइम में, कब, जब वो टैक्स पे करता है अंडर 9 सबसेक्शन 3 या 9 सबसेक्शन 4। मतलब सिर्फ ये पेमेंट वाउचर RCM के केस में ही जरूरत है इश्यू करने की, अदरवाइज नहीं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रिसीट वाउचर को मैं डिस्क्लोज करता हूं वैसा मेरे को पेमेंट वाउचर भी डिस्क्लोज करना है, डिस्कशन कर लेते हैं। सर, पेमेंट वाउचर का अमाउंट सेपरेटली कहीं भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब मैं परचेज करूंगा अंडर रिवर्स चार्ज इस तो उस पर्टिकुलर परचेज एक्सपेंसेस को मैं एज ए इनवर्ड सप्लाई अंडर GSTR 2 डिस्क्लोज करूंगा। क्लियर? ओके। क्या वाउचर का नंबरिंग भी मुझे डिस्क्लोज करना है? आंसर इज यस। टेबल नंबर 13 में पॉइंट नंबर 7 पेमेंट वाउचर की सिक्वेंसिंग मांगता है कि फ्रॉम सीरियल नंबर कितना है, टू सीरियल नंबर कितना है, टोटल कैंसिल कितना है, तो ऑटोमेटिकली नेट इश्यू बिल का। क्लियर है सर? तो आज का डिस्कशन मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। स्मॉल डिस्कशन था मेरा, बट क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ये डिस्कशन किया आपके साथ। हो सकता है मैंने आपके डाउट को कुछ हद तक क्लियर कर दिया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड जरूर शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल टू रिसीव द रिसेंट अपडेट इन द GST। थैंक यू।